हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर. और आज है यहाँ पर 25 अगस्त और देखेंगे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. तो आप सभी इतना जानते रहिए, आपके लिए जीएस और करंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों क्लासेस हम कंटिन्यू करवा रहे हैं. दोनों क्लासेस आप एकदम से चिपक करके वनडे एग्जाम टारगेट की देखिए, आपका 100% क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा. अब देख लीजिएगा, जितने क्लासेस देते चले आप लोग क्लासेस करते रहिए. बस कुछ अगर ना कर पाए तो आप मूड करके क्लासेस करते रहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन. क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है. क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा? ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर है. देखिए, 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, ग्लोबल एडॉप्शन इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है. क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं जानते हैं? ऑनलाइन मुद्रा होती है. क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन मुद्रा होती है. ऑनलाइन इसका पेमेंट किया जाता है, ठीक है. और ये भारत जो है दूसरे स्थान पर है. पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है वियतनाम. पहले स्थान पर वियतनाम है, फिर दूसरे स्थान पर भारत है, ठीक है. चलिए आपको बताते चलते हैं. ये जो मतलब जैसे बिटकॉइन है ना, ऑनलाइन जो मुद्रा है, बाद में सबसे लोकप्रिय सिक्का है. इसके बाद रिपल आता है. रिपल है, फिर इरेथियम है और बिटकॉइन कैश है. आपको बताते चलते, भारत में क्रिप्टो अपनाने का नेतृत्व तो देश के छोटे छोटे शहरों ने भी किया है. ट्रेडिंग वगैरह में इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है. अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है. नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हाईवे भारत में पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईवी फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण फ्रेंडली. ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है. तो यहाँ पर सौर ऊर्जा पर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है. तो इसके साथ ही जो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग है, देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है. सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए. अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजॉन अलेक्सा को भारत में किस अभिनेता की आवाज़ मिली है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन की. तो अमेजॉन ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की आवाज़ को मौजूदा यूजर्स को खुश करने और नए उपभोक्ताओं को गूगल सहायक, जो गूगल असिस्टेंट होता है ना, पूछने पर जो बोलता है, तो वैसे, और एप्पल के सिरी पर. गूगल असिस्टेंट है वैसे, और अगर एप्पल पर बात करते हैं तो एप्पल के सीरी पर इनकी आवाज़ सहायक का उपयोग करने के लिए यूज़ करी है. थोड़ी सी अट्रैक्ट करती है, और जो जैसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं तो सभी लोग उनकी आवाज़ सुनने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं. और वैसे भी जब अमिताभ बच्चन आवाज़ में बोलते हैं, जैसे अभी कॉल करिए तो कोविड के लिए जब बोलते हैं ना, थोड़े से इंस्ट्रक्शंस थे, इनकी आवाज़ में कुछ मतलब अट्रैक्शन होता है, दमदार होती है, और वैसे भी सुनी जानी है इस वजह से. आपको बताते चलते हैं, ये फीचर जो है शुरुआत में, जब अलेक्सा अमेजन के शुरुआत में 2019 में अमेरिकी अभिनेता और निर्माता सैमुअल एन जैक्सन की आवाज़ के साथ ये अमेरिका में आया था. हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए तो राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 23 अगस्त. तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है. ये दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को अंकित करने के लिए मनाया जाता है. यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति का सम्मान करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंग, लिख देते हैं सेंट डोमिंगो, सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया और गुलामी और अमानवीयकरण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक है.
चलिए आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को। बात करेंगे यूनेस्को प्रमुख की, तो ये हैं आड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस्माइली साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेशिया। ऑप्शन बी, इस्माइल साबरी याकूब को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये मलेशिया के उप प्रधानमंत्री थे। ये प्रधानमंत्री के रूप में किसका स्थान ले रहे हैं? मुहिद्दीन, क्या नाम है? मुहिद्दीन यासिन का स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पर मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुआला लामपुर है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगित है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया, ये किस राज्य के सीएम थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, इनका निधन हो गया। इन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में कार्य किया था, एक 1991 से 92 तक, फिर एक था 97 से लेकर के 99 तक। और आपको बताते चलते हैं, ये बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, विध्वंस हुई थी, इसके दौरान ये यूपी के सीएम रहे। ये 2 बार सांसद सदस्य और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट टाइम में, और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आगे चलते हैं, हाल ही में हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, टीएम भसीन को। केंद्रीय सतर्कता आयोग है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस के स्पेलिंग लिख देते हैं विजिलेंस कमीशन, COMM रहेगा, MISSION। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आपके इंग्लिश के लिए आपको ये बताते चलते हैं, ने TM भसीन को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड ABBFF एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, आपको बताते चलते हैं, ये अगले 2 वर्षों की अवधि के लिए बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, ABBFF के अन्य सदस्य शहरी विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं मधुसूदन प्रसाद हैं, BSF के पूर्व महानिदेशक DK पाठक हैं इसमें, और एग्जिम बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक डेविड डेविड रस्किन्हा भी इसमें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की और बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? फरवरी 1964 में। फरवरी 1964 में इसका गठन हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती, करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिवीजन। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 23 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्माइली या सावरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही होता है, मलेशिया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया, ये किस राज्य के सीएम थे? ऑप्शन सी, अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है TM भसीन को। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हाईवे भारत में पहला EV फ्रेंडली हाईवे बना है?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, दिल्ली चंडीगढ़ वाला। हाल ही में अमेजॉन अलेक्सा को भारत में किस अभिनेता की आवाज़ मिली, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, अमिताभ बच्चन की। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है, करेंगे कल के क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिविजन। क्वेश्चन है, हाल ही में हुरुन ग्लोबल की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 में सबसे ऊपर कौन सी कंपनी रही, ऑप्शन सी सही होता है, एप्पल है। नेक्स्ट है, 19 से 25 अगस्त तक भारत कौन सा सप्ताह मना रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाता है संस्कृत सप्ताह, और संस्कृत दिवस कब मनाएंगे आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने गुजरात के किस मंदिर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, ऑप्शन सी सही हो जाता है सोमनाथ मंदिर। नेक्स्ट है, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है, हाल ही में आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है 21 अगस्त को। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2021 की घोषणा की गई, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता, ऑप्शन बी सही हो जाता है सोरा रही पोट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और यहाँ पर डिटेल आपको मैंने कल बताया ही था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए फेसबुक इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त किए गए, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी शांति लाल जैन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की और कल की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है, जो कुछ भी मैंने कल आपको करंट में पूछा था उसका जवाब भी आपको मिल चुका होगा। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ, आज का सवाल आप सभी के लिए। आज का सवाल है, हाल ही में क्रिप्टो अपनाने में के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है, फटाफट से आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन बताएंगे। और दूसरा सवाल है, पहला इको फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना है, तो दोनों क्वेश्चन की रिप्लाई आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में करनी है। तो डेली एकदम से जोर शोर के साथ, जोश और जुनून के साथ क्लास को ज्वाइन करिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। और आपकी जो एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम की डेट आ रही है ना सुपर डेट की, वो बहुत ही आपकी फाइनल है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद। क्वेश्चन ए, हाल ही में फिल इन द ब्लैंक वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह। तो वन प्लस ये ब्रांड है, इसके एम्बेसडर बनाए गए हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ये हैं क्रिकेटर, तो ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो वन प्लस में अब वॉच इसमें शामिल है, और मतलब इसमें बहुत ही अलग तरीके की प्रीमियम डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है, और स्मार्ट फिटनेस ट्रैकिंग रहती है, बैटरी लाइफ इसकी बड़ी अच्छी रहती है, और मतलब बहुत सारी इसमें फीचर्स होते हैं, बड़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर जो बनते हैं ना उसके बारे में प्रचार करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में सभी को मोटिवेट करते हैं कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी आप कीजिए, जिससे कि उसकी कमाई जितनी कमाई उनकी होती है तो उसमें उनका कुछ पार्ट वगैरह होता है, पहले से इनको दे भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है ब्रांड एम्बेसडर बनने में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस अभिनेता ने अपनी आत्मकथा विल की घोषणा की, किस अभिनेता के द्वारा ये आत्मकथा लिखी जाएगी जिसका नाम है विल, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी विल स्मिथ है, ऑप्शन बी सही हो जाता है विल स्मिथ। आपको बताते चलते हैं, घोषणा बस कर दी है कि हमारी जो आत्मकथा होगी विल के नाम से ही ये प्रकाशित होगी, और इसके कवर और शीर्षक का प्रकाशन किया जा चुका है। ये पुस्तक पेंगुइन प्रेस के द्वारा ये 9 नवंबर को प्रकाशित होगी, उससे पहले यहाँ से देखिए शुरू कर दिया इतना ज़्यादा प्रचार करना। तो विल स्मिथ के लेखक जो हैं मार्क मैनसन के साथ ये सहलेखन कर रहे हैं, और साथ ही साथ में कवर को कलाकार लोग बनाते हैं। तो कवर को किसने बनाया, किस कलाकार ने, नाम है, अरे यार इतना क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग फिल इन द ब्लैंक जारी किया गया, निम्नलिखित में से ये कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पर सी से हो जाता है लक्ष्य तेरा सामने है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व विटिलिगो दिवस कब मनाया गया, ऑप्शन ए सही हो जाता है 25 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा। नेक्स्ट, हाल ही में माई जॉयज एंड सरोज
एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं, ऑप्शन ए कृष्णा सक्सेना। क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां इंडिया गेम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र या फिर कोलकाता? ऑप्शन ए सही हो जाता है, नई दिल्ली में, ऑप्शन ए नई दिल्ली। यहाँ पर इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देखिए, 17 से 19 मार्च 2021 के मध्य 11वां इंडिया गेम 2021 आयोजित किया गया, ठीक। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? स्थान है होटल ताज पैलेस जो कि है नई दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगला है, इसका जो मुख्य विषय है, जो थीम है वो कौन सी थी? भारत रसायन एवं पेट्रोकेमिकल के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये इसका विषय था, इस बार की थीम थी। अच्छा, ये अब ये देखिए यहाँ पर आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आयोजन जो था ये देखिए रसायन और पेट्रो रसायन विभाग द्वारा फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग और फिक्की के सहयोग के द्वारा ये आयोजन पूरा किया गया था। और ये कार्यक्रम एशिया प्रशांत क्षेत्र में रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के सबसे बृहद आयोजनों में शामिल है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र को ये कवर कर रहा है और इसमें रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की एक बड़ी योजना में ये इसका नाम शुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो के लाइक के माध्यम से। तो लाइक और शेयर, जैसा कि हमेशा कहते हैं, तो लाइक और शेयर करते रहा करिए। क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड कर दिया। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में भी आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल ही जाएगी। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला कौन सा है? 23वां जिला कौन सा? अमरगढ़, नवानशहर, मालेरकोटला। ऑप्शन सी सही हो जाता है, मालेरकोटला, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, 14 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ईद उल फितर के अवसर पर मालेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित करते हैं। और ये मालेरकोटला में आबादी की अगर बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक जो आबादी है ये मुस्लिमों की है। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार शेर मोहम्मद खान के नाम पर 500 करोड़ रुपए की लागत से मालेरकोटला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करेगी और साथ ही साथ इसके अलावा 12 करोड़ रुपए की लागत से लड़कियों के लिए कॉलेज स्थापित किया जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज और कॉलेज लड़कियों के लिए, इसके साथ साथ और भी घोषणाएं की गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर इसे हमने नहीं इंक्लूड किया। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, घोष पोच सब कुछ तैयार कर रहे हैं, उसका मतलब उठना बैठना सोना जागना, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम में आने वाले हैं, 100% इनके आने के चांसेस होते हैं, वही हम आप तक पहुंचाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोल दिया गया? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, हमें याद है और उम्मीद है कि आप लोग सही रिप्लाई भी इसके करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी पुर्तगाल। अब यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, पुर्तगाल में भी, उत्तरी पुर्तगाल में ये खोला गया। और इस पुल की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 516 मीटर है, लगभग 1663 फीट के करीब। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ये नदी उस टाइम पर भी मैंने बताई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पाइवा नदी के ऊपर लगभग 175 मीटर ऊंचाई पर लटका हुआ है। किस नदी के ऊपर? पाइवा नदी के ऊपर। और अगला पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त आरोका जियो पार्क के अंदर पहाड़ों के बीच बना यह पुल हरियाली और पीले फूलों से ढका हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये देखना, आरोका जियो पार्क कहाँ पर मिलनी है? नदी के ऊपर तो आपने देख लिया, अगर पार्क की अगर बात की जाए तो अरोका जियो पार्क के अंदर ये बना हुआ है।
ठीक, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को कवर करेंगे फटाफट से। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल रियल टाइम रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली, डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राज्य पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, असम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, असम के मुख्य सचिव हैं जिष्णु बरुआ, इन्होंने राज्य में एक डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली FRIM